हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी हो आपको जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए है। हम आज शुरू करने वाले हैं बच्चों कंटिन्यूटी चैप्टर। पीछे के दो चैप्टर्स हमने तीन चैप्टर नियरली पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हमने पढ़ लिया है लिमिट। अब ये तीन चैप्टर पढ़ने के बाद चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यूटी। एक्चुअल में कहा जाए तो ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीन चैप्टर अब एक ही चैप्टर मिला के बन गए हैं। तीनों चैप्टर अब एक ही में LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी करके कर दिया है, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कि लिमिट आपको निकालना आ गया तो कंटिन्यूटी सीख लेंगे, कंटिन्यूटी निकालना आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी सीख लेंगे। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम ये चैप्टर अब तीनों को इकट्ठे पढ़ा जाता है। और फंक्शन और ITF भी एक ही चैप्टर में हो गया है। ऐसे देखा जाए तो तीन चैप्टर या चार चैप्टर या पांच चैप्टर बनते हैं, लेकिन ऐसे ओवरऑल आजकल के हमारे IIT JEE की सीट में भी और IIT JEE की किताबों में भी आजकल बस दो चैप्टर बन गया है, फंक्शन और ITF मिला के एक चैप्टर और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी मिला के दूसरा चैप्टर। तो कुल मिला के ऐसे दूसरे चैप्टर के सेकेंड टॉपिक कंटिन्यूटी पे हम पढ़ने वाले हैं। लिमिट पढ़ लिया हमने, फंक्शन पढ़ लिया हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ लिया है, तीन चैप्टर पढ़ लिया है। अब जो कंटिन्यूटी है, इसमें जो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और लिमिट तीनों का ही यूज है। इसमें सबसे ज्यादा यूज आपको मिलेगा लिमिट का यूज सबसे ज्यादा मिलेगा। बाकी फंक्शन तो हमारा बेसिक ऐसी चीज है जो कि हमेशा यूज में आएगा ही आएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं, फंक्शन उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, कंटिन्यूटी शुरू करते हैं, इसके थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आपका पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, डेफिनेशन होती है कि अगर मैं ग्राफिकल डेफिनेशन की बात करूं तो ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन कैन बी ड्रॉन विदाउट picking up pen is called continuous graph। और एक बात मैं और साइड में आगे लगा रहा हूं, जोड़ रहा हूं, इन देयर डोमेन, ये अपने डोमेन में, अपना डोमेन में विदाउट पेन को उठाए हम ग्राफ खींच पाए तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये इन देयर डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सर कंटिन्यूअस, कई बार कंटिन्यूअस हम बोलते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस भी है बट वो ग्राफ बीच में टूटा होता है, और जो टूटा होता है वो उसके डोमेन का पार्ट ही जब नहीं होता है या पार्ट ही नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, अगर वो उसके डोमेन का पार्ट ही नहीं है तो उसको हम बोलते हैं, उसको तब भी हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जहां पे टूटा है वो डोमेन का पार्ट नहीं है तो हमारे किसी काम की चीज नहीं है। बट अभी बिना किसी कंफ्यूजन के इतना बस आप याद रखो कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए, बिना हमारे लिए पेन ही चौक है तो आपका, या चौक ही पेन है तो हम इसको, इस पेन को यानी चौक को हम बात कर रहे हैं, इसको बिना उठाए अगर मैं ग्राफ बना सकूं तो मैं बोलूंगा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और, दूसरे नंबर पर एक चीज और मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि कॉन्टिन्यूटी का एक और मतलब आपको समझ में आता है, कंटिन्यूटी का एक और मतलब समझ में आता है कि भाई जो भी ग्राफ है ना वो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, यानी नो ब्रेक, मतलब ग्राफ में कहीं टूट, मतलब ग्राफ कहीं टूटा नहीं होना चाहिए, ग्राफ खंड खंड नहीं होना चाहिए, ग्राफ बना हो तो लगातार हो। जैसे कि कंटिन्यूटी जो चैप्टर है, अगर हम उस चैप्टर के मतलब समझे, इसका हिंदी मतलब समझे, तो इसका हिंदी मतलब होता है निरंतर, सतत, लगातार। तो निरंतर मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार। तो कोई चीज लगातार हो, टूटी ना हो, उसमें ब्रेक ना हो, कोई ब्रेकडाउन ना हो, तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ या कंटिन्यूअस। अच्छा यहीं पे अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, अभी मैंने बात किया कि इसका अगला चैप्टर आएगा डिफरेंशिएबिलिटी, तो थोड़ी सी एक डिफरेंशिएबिलिटी का हल्का सा आपको एक दे देता हूं,
कि क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है ये हो जाएगा आपका, देखो नो ब्रेक, यानी नो ब्रेक का मतलब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर नो ब्रेक यहां भी है, नो ब्रेक यहां भी है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए नो ब्रेक। और एक और एक्स्ट्रा आती है नो शार्प, नो शार्प। और ये शार्प का मतलब अगर जिसको समझ आया अच्छा है, ना समझ आया तो हिंदी में लिख देता हूँ कि तीखा होता है, तीखा, वो मिर्चा वाला तीखा नहीं, तीखा होता है या नुकीला। अब समझ में आया होगा कि तीखा क्या क्या मतलब है, नुकीला होता है। तो ये तीखा या नुकीला नहीं होना चाहिए, तीखा या नुकीला, शार्प का मतलब है तीखा या नुकीला, तो तीखा या नुकीला नहीं होना चाहिए, बाकी लगातार होना चाहिए। यानी ऐसे आप समझ सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी का, जैसे एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी ले ले, और डॉगी को कभी आप सर से पूंछ तक अपना हाथ लेके जाओ तो वो आपको देखे दिखेगा कि एकदम स्मूथ है, कहीं आपको हाथ पे कहीं भी आपका ब्रेक फील नहीं होगा। ऐसे एकदम आराम से आप कभी भी प्यार से ऐसे डॉगी पे लेके जाओ तो बड़ा प्यार से हाथ चला जाता है। तो वो हम बोलते हैं कि ये जो है डॉगी की जो पूरा ऊपर सर से लेके पूंछ तक जो पूरा जो आपका हाथ का जो कर्व बना है ना, वो डिफरेंशिएबल है। आपको समझ आ रहा है ना, वो डिफरेंशिएबल है। तो वैसे ही वो फील है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो वो डिफरेंशिएबल कहलाता है। यानी जहां जो पूरी तरह से स्मूथ हो, जहां पे कहीं भी खुरदरापन ना हो, कहीं भी आपका किसी तरह का कोई ब्रेक ना हो, कहीं पे किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम ना हो, शार्पनेस ना आती हो, वो हम बोलते हैं आपका कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बट इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी का, तो कंटिन्यूटी को जरा आप एग्जांपल से समझते हैं कि कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं कंटिन्यूटी के। जैसे एग्जांपल मैंने अगर लिया, एग्जांपल नंबर वन की बात किया, एग्जांपल्स का नंबर भी हम याद रखते रहेंगे जब तक जिस भी पार्ट में करेंगे। एग्जांपल नंबर वन लिया, जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ये एक पॉलीनोमियल है, ये जो है एक पॉलीनोमियल है, और हम जानते हैं कि पॉलीनोमियल का जो डोमेन होता है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन इम्पॉर्टेंट है, डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर आर होता है। तो पूरे आर में इसका ग्राफ बनेगा, सब बचपन से ही ग्राफ बनाने आते हैं, मतलब बचपन का मतलब क्लास 11 से ही हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ही बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ही बनेगा। प्लस वन होने की वजह से यही ग्राफ वन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बस अंतर इतना ही हो जाएगा कि ये ग्राफ वन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ये वाला जो ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है डॉटेड लाइन वाला, और ये ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ है। और ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि पूरी तरह से यहां से ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आओ, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिंपल सा मैं ग्राफ ले रखा हूँ। तो ये ग्राफ जो है, या जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी ये कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूअस आपका बिना पेन उठाए ग्राफ बना पा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, तो सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे मैंने और एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू साइन x। सब ग्राफ बनाते होंगे, बचपन से ग्राफ बनाते आ रहे होंगे, बचपन का मतलब आप लोग बचपन बिल्कुल मत समझ लेना, बचपन का मतलब है क्लास 11 से ग्राफ बनाते आ रहे होंगे। ये हमने x एक्सिस बनाया, ये हमने यहाँ पे y एक्सिस बनाया, ये x और ये y, साइन का ग्राफ, मुझे उम्मीद है आप सबको आना चाहिए साइन का ग्राफ बनाना, साइन का ग्राफ बनाना आता है। तो ये आपका साइन का ग्राफ बनाना बन गया, और ये आपका है जीरो, ये है पाई, ये है टू पाई, ये है थ्री पाई, मतलब एक जो लूप है ना, एक लूप है, इसको डोम भी बोलते हैं, इस वाले को लूप या डोम बोलते हैं। तो एक लूप या डोम जो है वो पाई के इंटरवल पे होता है, माइनस पाई, माइनस टू पाई, और यहाँ पे ये वाली मैक्सिमम हाइट जो अटेंड किया है वो पाई बाई टू, फंक्शन में बहुत बार देखे हैं हम इसको, मिनिमम हाइट जो अटेंड किया है वो थ्री पाई बाई टू है, फंक्शन में हम बहुत बार इन चीज़ों को हम देख चुके हैं। ये वाली जो हाइट है वो माइनस पाई बाई टू है,
ऐसे ही ये माइनस 3π/2 हो गया। तो ये जो ग्राफ देखो, तो देखो ये कहीं माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, और देखो बिना पेन उठाए लगातार ये ग्राफ बन गया, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। यानी ये फिर से अगेन y=sin x एक कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अब कोई मुझे इसका डोमेन बता दे कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब, फंक्शन में बता चुका हूं, डोमेन का मतलब होता है किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस पे एक्सपेंशन, मतलब इधर से इधर में एक्सपेंशन। और आपको एक्सपेंशन दिख रहा होगा कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो इसका डोमेन आपका है, डोमेन है इसका, डोमेन है पूरा आर। और रेंज भी आप सबको याद होगा, ये बहुत ऐसी चीज है जो सबको याद ही होगा। तो रेंज हो गया इसका -1 से +1, तो -1 से +1 इसका रेंज हो गया, और इसका डोमेन हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, ग्राफ ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये आपकी चीज है। अब थोड़ा सा और इसके थोड़ा एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल की तरफ मैं पढ़ता हूँ, मतलब दो एग्जांपल हो गया, थोड़ा और कठिन, थोड़ा सा इससे और अच्छा लेता हूँ, थोड़ा और स्टैंडर्ड की तरफ मैं पढ़ता हूँ, ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हम अगला एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, अगला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। y=fx=a, मतलब एक ही है, सब मतलब एक ही है, y=sin mod x, साइन मॉड एक्स। तो अब जरा देखो, अगर इसका हम ग्राफ में, फंक्शन में ये चीज इसका ग्राफ बनाना सीखे थे, अगर y=f(x) का ग्राफ बनाना पड़े, तो हम क्या करते हैं कि रिमूव द ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड, मैं बताया था ड्रॉ ओनली राइट साइड, एंड देन टेक मिरर इमेज ऑफ दैट ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। वो आपका ग्राफ था y=f(x) का। तो यहाँ पे हम f(x) का ग्राफ बनाएंगे, यानी sin mod x लिखा है, तो हम sin x का ग्राफ बनाएंगे, और sin x का ग्राफ आपका जो बनेगा वो ग्राफ सिर्फ राइट साइड में बनेगा, और लेफ्ट साइड में यानी y एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो देखो ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, ये मैंने बोर्ड को बांट दिया दो पार्ट में, ये रहा x एक्सिस, ये आपका मैंने ग्राफ बनाया, देखो ये ग्राफ है आपका y=sin x का ओनली राइट साइड में, और यही ग्राफ का आपको मैंने बताया मिरर इमेज लेना है, तो मिरर इमेज ऐसे चलेगा और ऐसे जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो अब जरा देखो, ये वाली जगह अभी भी जीरो है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, इधर -π है, -2π है, -3π है इधर में, और आगे ये फिर से पीछे भी कंटिन्यू करेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ देखो, तो क्या अगर हम पीछे से बात करें, देखो ध्यान से बच्चों, तो ये पीछे से बात करें तो ये कौन, ये बिल्कुल लगातार आता है ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ये आके ऐसे चला गया, लगातार है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, मुझे कहीं पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लगातार ग्राफ बना हुआ है। लेकिन इसमें एक बात है, कॉन्टिन्यूस तो है ये ग्राफ, एक ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस इन डोमेन, डोमेन अभी भी क्या है इसका, डोमेन अभी भी डोमेन पूरा आ रहा है। तो एक चीज देखो, जो मैं बात कर रहा था ना कि डिफरेंसिबिलिटी, शार्पनेस, चोंच, नुकीला, कहीं टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक होने की वजह से कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन जो आप देखो यहां पे, तो यहां पे एक नुकीला, मतलब शार्पनेस का मुझे मतलब होता है, जो शार्पनेस का मतलब होता है कुछ ऐसे दिखने लगे। देखो ये दो लाइन आ गई, ये भी शार्प का लाएगा, देखो ये दो ऐसे कर्व आ गई, और देखो यहाँ पे ऐसे बना दी, ये साफ कराएगा। मैं डिफरेंसिबिलिटी जब चैप्टर पढ़ूंगा तो बिल्कुल बताऊंगा कि ये क्यों डिफरेंसिएबल नहीं होते हैं, जहां पे नुकीलापन आ जाता है वहां पे डिफरेंसिएबल क्यों नहीं होते हैं, जहां पे ब्रेक हो जाता है वहां पे डिफरेंसिएबल क्यों नहीं होते हैं, वहां पे एग्जैक्टली मैं वहां पे बिल्कुल आपको प्रूफ कर दूंगा, फील आ जाएगी आपको उस जगह पे। लेकिन फिलहाल मैं देखो ध्यान से, देखो ये कुछ आपका ऐसे आ गया, ये भी आपका यहाँ पे देखो नुकीला हो गया, यहाँ पे देखो नुकीला निकल गया, या आपका ऐसे निकल गया, ये भी आपका नुकीला हो गया, तो ये सब नुकीला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा नो ब्रेक, ब्रेक तो नहीं है, बट शार्पनेस अवेलेबल, या शार्पनेस इज देयर, यहाँ पे शार्पनेस है, देयर फॉर नॉट डिफरेंसिएबल,
देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? सिर्फ जीरो पर, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं चौथे एग्जांपल की तरफ बात करूं, चौथा एग्जांपल लेता हूं आगे, यहां पे हमने इसको ये देख लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। चौथे के लिए थोड़ा सा और एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं। अच्छा एग्जांपल का मतलब वाई इक्वल टू मैंने लिया सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ये हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। फंक्शन में इसकी वैल्यू सबने सीखा था, मैंने बताया था आप सबको कि हाँ फंक्शन में ये आपकी वैल्यू क्या होती है, तो फंक्शन में इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है जिस दिन एक्स की वैल्यू इंटीजर लूंगा। मैंने बताया था कि फंडा अपना होता है, फंडा होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई आए तो हम उसको दो तरह से, दो ही नजर से देखते हैं कि उसके अंदर आने वाली क्वांटिटी इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। इंटीजर या नॉन इंटीजर हम बस देख के बाकी उसके करेक्टर के बारे में पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक्स जो अंदर इनसाइड में है वो या तो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा। जब इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू जीरो, नॉन इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू माइनस वन। तो ये आपका, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ क्या है इसका? ग्राफ अगर हम बात करें तो ये सपोज की एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पे इंटीजर्स की बात की गई है तो मैं यहां पे सारे इंटीजर्स लिख लूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे ही ये पीछे में कुछ इंटीजर मैंने लिख लिया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब कह रहा है कि जहां जहां इंटीजर मिलेगा वहां वहां ये वैल्यू अपना जीरो देगा। देखो तो मैंने एक दूसरा चौक यूज कर रहा हूं, यहाँ पे ये इंटीजर दिया, ये इंटीजर दिया, ये इंटीजर दिया, तीन पे इंटीजर पे जीरो दिया, ये हर जगह जीरो दे रहा है। देख लो आप लोग बच्चों, हर इंटीजर पे ये जीरो दे दिया कि इंटीजर एक्स की वैल्यू लिया, इंटीजर दे दिया। जब एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं है, जब एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं है उस केस में ये आपका माइनस वन वैल्यू दे रहा है, यहाँ कहीं माइनस वन यहाँ कहीं वन, ऐसे ही ऊपर कहीं टू और ये नीचे कहीं माइनस टू है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू वन और जीरो पे आपका जीरो दे रखा है लेकिन इनके बीच में हर जगह नॉन इंटीजर होगा तो ये माइनस वन, फिर इनके बीच में माइनस वन, फिर माइनस वन, फिर माइनस वन, फिर माइनस वन। ये जो आपको चेन दिख रही होगी कि वो एक चेन तैयार हो गई, जो ये कड़ी है ना, जो ये चेन है, यही चेन आपका जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ है आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये हर इंटीजर पे टूट चुका है, मतलब ब्रेक है इसमें। जैसे यहां से हम गए, टूटा, ऊपर पहुंचे, फिर आगे बढ़े तो नीचे आया, नीचे आया, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर माइनस टू पे पहुंचे, टूट गया, ऊपर पहुंचे, फिर नीचे आए, फिर आगे बढ़े। तो ये ग्राफ आपका टूट रहा है और ग्राफ टूटने की वजह से इस बार ये ग्राफ है नॉट कॉन्टिन्यूअस। और नॉट कॉन्टिन्यूअस को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब एज सच नॉट कॉन्टिन्यूअस ऐसा कोई हम वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसको ही वर्ड यूज करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। और कहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो एवरी इंटीजर, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीजर्स, क्योंकि ये माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जितने सारे इंटीजर है हर जगह ये आपका ब्रेक हो रहा है, तो एवरी इंटीजर्स ये आपका टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। और जब इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की थोड़ा सा बात करूं मैं, आप देखो कि मैंने कहा था कि टूटना नहीं चाहिए, देखो यहां पे टूट चुका है। जब टूट चुका तो डिफरेंशिएबिलिटी में दो कंडीशन थी, टूटना भी नहीं चाहिए, शार्पनेस भी नहीं चाहिए। यहां तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई, मतलब टूट गया, टूट गया तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। आप सोचोगे सर डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, इसको हम बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बस हम आपको जितनी मैं बात बताया हूँ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में उतने ही की चीज के बारे में अभी तक मैं लिख रहा हूँ। तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक और चीज है, तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर क्या
आप जो भी आप आएगा एग्जाम में कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, तो क्या मैं हर फंक्शन, हर एग्जाम्पल, हर सवाल का ग्राफ बना के ही मैं बता सकता हूँ क्या? तो नहीं, ग्राफ तो बहुत कठिन पार्ट होता है। जहां पे भी ग्राफ का नाम आता है आप लोगों को ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। तो ग्राफ बहुत ही कठिन है, ग्राफ से हर चीज को हम नहीं बताएंगे। ग्राफ के बजाय अब कुछ चीजों, अब क्या दूसरा, क्या थियोरेटिकली कैसे इसको बताएंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि नहीं, हर चीज को हम ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। अब इसको हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको, इसका ग्राफ, तो हर चीज को हम ग्राफ से नहीं देखेंगे। तो अब इसके थ्योरी पे हम बात कर रहे हैं कि हाँ कैसे इसके थ्योरेटिकली हम कोई बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी, बेसिकली कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूटी को किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने दो पॉइंट ले लिया था, तीसरे पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। और यही हमारे सबसे काम की चीज है, इसी पे हम पूरा चैप्टर और आगे की सारी बात, हम इसी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे ही बात करने वाले हैं आगे की सारी चीजें। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एफ ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस continuous at point x equal to a if ये point a पे continuous होगा अगर। आप देखिए क्या इसमें अगर में क्या लगने वाला है, कुल मिला के बस यही चीज अपने को लेके चलना है पूरा। x tending to a minus f of x is equal to limit x tending to a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनाइट वाले वर्ड भी। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह की चीजों को फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये, आपने इसको लिमिट में पढ़ा था कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको आपने पढ़ा था राइट हैंड लिमिट है, ये है वैल्यू एट द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। एफ ऑफ एक्स नहीं, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, और ये फिर फाइनाइट, यानी ये सभी के सभी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। इसको नाम हमने दिया था, यानी ये आपका था, लिमिट में पढ़ा था हमने LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, इसको नाम दिया था RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और ये था f ऑफ a मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, और ये सब के सब फाइनाइट। तो ये भी हम यूज करेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। अच्छा, लिमिट में इन दोनों को कंबाइन तरीके से लिखने का तरीका था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये दोनों कंबाइन तरीके से इनको लिखने का मतलब ये हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट ही तब करती है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। यानी इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इसमें इंक्लूड है, और यहाँ पे ये एफ ऑफ ए और ये फाइनाइट। तो ये भी चीज अपने पास होनी चाहिए, तीनों की तीनों जानकारी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि अब मैं इसको हटा देता हूँ, अभी हम तब कहेंगे कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, चाहे हम इसको यूज करें, चाहे इसको यूज करें, चाहे इसको, सब एक ही बात लिखी गई है। अच्छा, एक बात आपके मन में उठ सकता है कि सर जब काम इससे बन रहा हो तो ये क्यों लिख रहे हैं, और जब काम इससे बन रहा है तो ये क्यों लिख रहे हैं। सब एक ही तरीका है, मतलब ये इसके सिनोनिम से होते हैं ना वर्ड्स के। तो यहाँ पे वो सेंटेंस पूरा इस वाले जो भी वैल्यू है इनके ये सिनोनिम से, कि जो ये है वही ये है, यही ये है। पर इसमें एक खास बात है, खास बात ये है कि जो ये LHL और RHL हर जगह मुठा के यूज नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि कहीं भी LHL और RHL निकाल लें और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। LHL RHL निकालने के लिए सिर्फ आप कुछ पर्टिकुलर चीजों पे ही, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन पे ही हम LHL RHL निकालेंगे। वो पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन क्या होंगे, देखो कि यूज LHL RHL मेथड, LHL RHL मेथड मेथड इन इन
सिक्स टाइप ऑफ फंक्शन, इन सिक्स टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये छह तरह के फंक्शन आपके सामने दिखेंगे, तो वहीं पे चल यूज करो, अदरवाइज कहीं और जरूरत नहीं है। बाकी जगह पे आप सीधे लिमिट निकालो, एफ ऑफ ए निकालो, फाइनाइट वैल्यू देखो, चेक करो है कि नहीं, आंसर लगाओ उसके बाद से। लाइक कौन से छह तरह के फंक्शन है आपको पढ़ा होगा, एक फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक पढ़ा होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन, एक पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन, एक पढ़ा होगा सिग्नम के अलावा एक पढ़ा होगा जिसको कि मैंने नाम दे रहा हूँ डिफाइंड फंक्शन। याद होगा कि डिफाइंड फंक्शन मैंने क्या बताया था, डिफाइंड फंक्शन। और ये पीछे वहां भी मैं आपको लिखा चुका हूँ लिमिट में कि आपका ये छह तरह के फंक्शन पे आप लेचल यूज करना है, तो ये डिफाइंड फंक्शन। और मैं बस आपको याद दिला दे रहा हूँ, छठा फंक्शन है जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जिसको कि छुपा रुस्तम फंक्शन मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिला था छुपा रुस्तम। मतलब ये जैसे ये बस ये सिंपल कि मैंने बोल दिया छुपा रुस्तम, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये छुपा रुस्तम वाला फंक्शन है। तो कौन सा है छुपा रुस्तम, 1/x, 1/x³, 1/x⁵, ये सब ऐसे इस तरह की चीजें इन पावर में हो, मतलब इंडेक्स में हो, तो आप बोलेंगे कि ये इस टाइप के फंक्शन होंगे, तो LHL RHL यूज करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट आप आंसर लगाइए। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो जरा, देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन fx है, क्वेश्चन है fx है आपका 2^(1/x-1)/(2^(1/x+1) और यहाँ पे 0, जब ये x नॉट इक्वल टू 0 है और जब ये x इक्वल टू 0 है। सिंपली समझ के रखना कि ये इस तरह का लिखा है, तो देखो क्या इस बार आपके, मतलब ये होता है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें अट्रैक्शन है कि नहीं, ये अट्रैक्शन वाली चीजें हैं, इन छह चीजों को देख के अट्रैक्ट होता है, कौन अट्रैक्ट होता है, LHL RHL, कि मतलब LHL और RHL हमें निकालना है, ये छह तरह की चीजों को देख के हमें अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्ट हुए, ये चीजें अट्रैक्ट हो गई। यहाँ पे पावर में दिख रहा है 1/x, अगर पावर में 1/x है तो इसका मतलब ये छुपा रुस्तम वाला फंक्शन आया, यहाँ पे LHL RHL यूज करना है, यानी यहाँ पे LHL निकालना है और RHL निकालना है। आपने पढ़ा होगा LHL निकालने के लिए आप वहां पे पुट कर देते हैं, पुट x के जगह पे a-h, मतलब 0-h, तो LHL हो जाएगा। ध्यान से देख लें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0-h, ये हो क्या x नॉट इक्वल टू 0 पे टेंडिंग, ये x नॉट इक्वल टू 0 पे आपका ये वाला फंक्शन यूज होगा, यानी ये हो गया हमारे लिए h टेंडिंग टू 0, 2^(1/0-h-1)/(2^(1/0-h+1)/(0-h+1)। आगे फर्दर इसको हमने सॉल्व किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये है 2^(-1/h-1)/(2^(1/h-1)/(1)। अच्छा, इसको निकालने से पहले आपको एक चीज जो जाननी चाहिए यहाँ पे, वो ये चीज जान, तो यहाँ पे लिमिट हम पुट करने वाले हैं, जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करते ही आपका हो जाएगा यहाँ पे 2^(-∞-1)/(2^(-∞+1)। अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि किसी भी, मतलब एक से बड़ी नंबर की पावर माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो ये हो जाता है 0-1/0+1, ये आंसर आ गया आपका -1, मतलब LHL की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, LHL = -1। अब हम निकालेंगे RHL, इसके बाद निकालेंगे RHL, अब यहाँ निकालेंगे RHL, RHL निकालेंगे तो RHL हो जाएगा RHL, तो इसके लिए हमने को बता रखा है कि पुट x इज इक्वल टू 0+h, 0+h पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0+h, यानी लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, टू की पावर वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन एच प्लस वन। और अभी देखा टू की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो रही थी, इसलिए हम यहां से 2 की पावर 1 बाई एच निकाल लेंगे कॉमन, तो ये 1 माइनस 2 की पावर 1 बाई एच हो जाएगा, माइनस 1 बाई एच हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 1 बाई एच कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बाई एच हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। जरा देखो बच्चों, ये हो गया 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बाई एच। और जैसे ही लिमिट पुट किया 1 माइनस 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, अगेन वही बात कि a की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो, जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो यह 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, यही आया आपका। तो ये हो गया आपका वन से वन, यानी आ गया आंसर आपका वन। तो हमने निकाल लिया, हमने देख लिया कि ये हो गया हमारे लिए। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जरा देखो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको दे रखा था जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दे रखा था। तो हमारा आया एल एच एल इक्वल टू आया माइनस वन, आर एच एल इज इक्वल टू आया प्लस वन, और आपका एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आया जीरो। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी और ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब इन दोनों में से भी कोई एक बराबर नहीं होता। तो हम कहते कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी हम कहते इसको कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये आपका जो आपका एग्जाम्पल था ये बन गया एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस। इसके बाद आप देखें अगले एग्जाम्पल के तरफ अगर हम बात करें, तो अगला एग्जाम्पल आपका अगर लिखें तो अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लो हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देख ले, पहले मान लो मैंने लिया ऐसे e की पावर x इंटू e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन x इंटू e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, x नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो जब x इज इक्वल टू जीरो। अब हम निकालेंगे इसका एल एच एल और आर एच एल लेंगे। इसका फिर से देखो चोर फंक्शन आया पावर में, ये छुपा रुस्तम फंक्शन आया पावर में, आपका 1 बाई एक्स इन पावर में है। तो हम यहां से फिर से निकालेंगे एल एच एल आर एच एल। तो चेक कंटिन्यूटी सवाल आपका यही है, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलो एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एल एच एल निकालेंगे तो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, आसान सी, अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, फटाफट करते चले जाएंगे। अब ये हो जाएगा देखो यहाँ पे पुट होगा, ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच ई की पावर माइनस वन बाई एच अपॉन ई की पावर माइनस वन बाई एच माइनस वन। आपको पता है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हमने किया ये, अच्छा एक काम करते हैं सीधे लिमिट पुट कर देते हैं, अननेसेसरी स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लिमिट अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ पुट करते ये हो गया जीरो इंटू यहाँ पे हो गया ई की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस वन। आप देखो तो ये हो गया आपका ऊपर में जीरो जीरो, नीचे में आपका माइनस वन, तो यह आपका आंसर फाइनली आ गया, ये फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो। अच्छा आर एच एल अगर निकालते हैं तो आर एच एल हो जाएगा इसका, यानी आर एच एल निकालने के लिए हम पुट करेंगे x बराबर जीरो प्लस एच, x बराबर जीरो प्लस एच। तो आपने पुट किया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और ये बन गया आपका f ऑफ जीरो प्लस एच। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा जीरो प्लस एच तो देखो यहाँ पे आपने लिखना है जीरो प्लस एच e की पावर
वन बाई एच अपॉन ए की पावर वन बाई एच माइनस वन। अच्छा क्या करेंगे, नीचे से e की पावर 1 बाई एच कॉमन कर लेते हैं। कॉमन इसलिए ताकि आपका e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा तो उसकी वैल्यू जीरो लिखने में हमें सुविधा होगा, आसानी रहेगा। ये हो जाएगा जीरो, ये सिर्फ हो जाएगा h इंटू e की पावर 1 बाई एच, नीचे से e की पावर 1 बाई एच कॉमन कर लिया, ये 1 माइनस e की पावर आपका आ चुका है माइनस वन बाई एच। जैसे ही लिमिट, ये अब देखो तो देखो बच्चों यहाँ से ये दोनों कट गया, जैसे हमने लिमिट पुट किया ऊपर में हो गया जीरो, नीचे में हो गया वन माइनस जीरो, आपका फाइनल आंसर हो गया जीरो। तो यार ध्यान से देखो, अच्छा यहीं पे एक और चीज मैं लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जीरो। देखो एफ ऑफ जीरो फंक्शन की वैल्यू दे रखा है कि जीरो पे जीरो है। जरा देखो तो क्या आया अपने पास, क्या आया देखो, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ जीरो, और ये सब फाइनाइट है, ये सब फाइनाइट है इसलिए कॉन्टिन्यूअस हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में, वो मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी में इसकी इंपॉर्टेंस में बता दूंगा सवाल की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक मैंने अगर क्वेश्चन उठा लिया कि एफ एक्स इक्वल टू है कि e की पावर 1 बाई एक्स माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स, ये तब है जब x नॉट इक्वल टू जीरो है और जीरो x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है। तो आपसे सवाल ये कहता है कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। चलो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो क्या यहाँ पे कोई अट्रैक्शन है हमारे लिए, तो बिल्कुल अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पे हमें 1 बाई एक्स पावर में आ गया, और आपको याद होगा छह तरह का जो मैंने फंक्शन लिखा था उनमें से एक फंक्शन था 1 बाई एक्स वाला, तो आपका अट्रैक्शन आया। तो अट्रैक्शन होने की वजह से हम एल एच एल और आर एच एल का यूज करेंगे, और एल एच एल के लिए फिर एक्स बराबर जीरो माइनस एच पुट करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ जीरो माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखो यहाँ पे e की पावर बन जाएगा माइनस वन बाई एच माइनस e की पावर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन बाई एच अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस वन बाई एच, फिर प्लस ई की पावर प्लस वन बाई एच, क्योंकि आपका माइनस एच तो ये माइनस माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस माइनस वाला यहाँ पे वैल्यू प्लस दे दिया। अब जरा देखो हम वही चीज फिर से यूज करेंगे, तो ई की पावर वन बाई एच को कॉमन कर लेंगे दोनों साइड से, कॉमन करते ही ये बन जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो। आप देखो तो ये हो जाएगा ई की पावर वन बाई एच, मैंने कॉमन कर लिया तो ई की पावर माइनस टू बाई एच। हमें लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, इसमें समझ आ रहा होगा कि ये e की पावर माइनस टू बाई एच कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा पावर पावर ऐड हो जाएगा, तो ये आपका माइनस टू बाई एच माइनस वन, नीचे में ऐसे e की पावर वन बाई एच कॉमन कर लिया। कभी भी आप ये काम कर लेना कि जब जो इन्फिनिटी देता है ना, ये सिर्फ यही नहीं, जहां भी आपको जो इन्फिनिटी देता है उसी को कॉमन करके कैंसिल कर दो अगर आपके पास मौका मिले तो। ये चीज हम स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप किसी भी स्लोप ऑफ लाइन में भी यूज करते हैं जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो, कि जो चीज इन्फिनिटी दे रहा होता है उसको कॉमन करके कट कर लेते हैं। सवाल में जब स्ट्रेट लाइन पे आऊंगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि देखो ये चीज वहां पे था और मैं बताया था आपको। तो e की पावर 1 बाई एच, और यहां पे हो जाएगा e की पावर माइनस 2 बाई एच, और ये आपका प्लस वन। अब ये इससे कट गया, लिमिट पुट कर दिया, लिमिट पुट करते ही ये बन गया है आपका e की पावर, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ऐसे ही हमने किया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस वन, और ये आपका आ गया जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, यानी फाइनली माइनस वन। तो एल एच एल जो आ गया ना फिलहाल में वो माइनस वन आ गया, बहुत अच्छा। अब हम आर एच एल निकालेंगे, एल एच एल हमने निकाल लिया, इसके बाद हम आर एच एल निकालेंगे। देखो यहाँ पे बच्चों
RHL क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ भी x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, पुट करते ही ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। और देखो इधर में ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं लिखना चालू करूँ तो हो जाएगा e की पावर 1 बाई एच माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन e की पावर 1 बाई एच प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच। देखो सीधे x के जगह पे h हो गया आपका। तो अच्छा फिर से वही काम पिछले वाले सवाल की तरह, e की पावर 1 बाई एच कॉमन कर लेंगे हम, और कॉमन करने के बाद से कैंसिल आउट करेंगे। तो फिर से हमने यहाँ से e की पावर 1 बाई एच को देखो हम कॉमन करने जा रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर 1 बाई एच कॉमन किया तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2 बाई एच e की पावर 1 बाई एच कॉमन किया 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाई एच, ये कटा लिमिट पुट किया 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट 1 माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। मजेदार बात है 1 माइनस 0 1 प्लस 0 मजा आ गया, आ गया आपका RHL इक्वल टू 1, RHL इक्वल टू 1, LHL इक्वल टू माइनस 1, लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट। आगे की बात करना हमारे लिए उतनी मजेदार नहीं है क्योंकि पहले लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। मतलब मैं ऐसे कह दूं LHL not equal to RHL। By the way, इस फंक्शन का f of 0 पे वैल्यू 0 था, आप देखो तो f of 0 पे इसकी वैल्यू पीछे में 0 थी, तो ये हो गया f of 0 पे 0। अब आपका देखे तो LHL RHL बराबर नहीं है, तो हम एक बात तो और, ये not equal to f of 0 भी है तो हम तो sure हो गए कि ये discontinuous हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया जीरो पे। पर एक बात जो मैंने सवाल के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है वो देखो, आपको ये याद रखना है, या याद रहे तो और अच्छा है, नहीं याद रहे तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कि एट x इक्वल टू जीरो पे जो ये e की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स है।